तमाम छोटे मोटे छबर काले और बूढ़ी जवान को खबरी का सलाम। तो कैसे हो सब लोग? तो आज मेरे पास आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और आगे भी ऐसे YouTube कम्युनिटी से रिलेटेड अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए भी आज की न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डकी भाई के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, अभी डकी भाई दुबई से ब्लॉग्स वगैरह अपलोड कर रहे थे, तो जो देसी गबरू का डॉग है उसने अभी बाइट किया था डकी भाई को, लेकिन अभी वो थोड़ा बेहतर है। इसी पर देसी गबरू ने अपडेट करते हुए कुछ यह कहा। सो गाइस, अपडेट ये है कि डकी को टैरी ने काट लिया हाथ पे, तुम लोगों ने देखा उसका फ़ोटो। तो अभी हम हॉस्पिटल में हैं, तो वो अंदर है, उसको स्टिचेस आ रहे हैं, तो दुआ करो कि वो ठीक हो, क्योंकि वो थोड़ा सा तुम देख लेना क्या हुआ क्या नहीं सारा बाकी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो ठीक है, और इंशाल्लाह मैं अगली स्टोरी में उसकी फ़ोटो डालता हूँ। और बाकी तुम लोग जो है वो ज़रा दुआ करो यार भाई के लिए, थोड़ा बड़ा उसका ब्लड निकल चुका है, खाली बहुत खून निकला उसका। सो गाइस, स्टोरी है डकी कैसा भी तेरा हाथ? मैंने पूछना है कि तुम्हारा कुत्ता ठीक ठाक है यार, उसको तो नहीं कुछ हो गया अभी ठीक है तू? जबरदस्त यार। चलो यार बॉयज, अपडेट ये है कि ड्रिप शेप लगी है भाई, जरा थोड़ा जरा वाकई जख्मी हो गए। चले भी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि जुनेद अकरम के बारे में। तो जुनेद अकरम ने अभी हेटर्स को रिप्लाई करते हुए अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की, जहां पे उन्होंने बताया कि अभी उन्होंने अपना एक स्पोर्ट्स का चैनल लॉन्च किया था, जिस पर कुछ लोग नेगेटिव कॉमेंट्स वगैरह कर रहे थे कि भाई ये आपके बस की बात नहीं है, आप जो कर रहे हो वही काम करो। तो अभी उन्हीं सब चीजों पर उन्होंने रिप्लाई किया। मैं उनकी वीडियो का एक छोटा सा पार्ट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। उनकी पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हो। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम ये नहीं कर सकते, तो ये जो मैं करता हूँ ये भी तो मेरे बस की बात नहीं थी। मैं ये तो नहीं था, मैं तो बड़ा शाय आदमी था, मैं तो पब्लिक स्पीकिंग से भागता था, अब यहाँ लाखों के आगे बात करता हूँ। ट्राई किया, तो जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी ना बच्चों, गौर से सुनो, 2012 में सबसे पहली वीडियो बनाई, नीचे ऐसे ही कमेंट थे, ये किस काम में आ गए, मस्खरे बन रहे हो, तुम्हें क्या पता ये वो। अगर मैं उन बच्चों की, उन लड़कों की, उन लड़कियों की या उन लोगों की बात उस वक्त मान लेता, आई स्वर टू गॉड, आज मैं किसी क्यूबिकल में बैठा होता और डिप्रेस जिंदगी गुजार रहा होता, सस्ती सी नौकरी कर रहा होता। चलिए भी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि मौला जट के बारे में। तो मौला जट मूवी से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक काफी अच्छा रिकॉर्ड बताने वाला हूँ। तो पाकिस्तान की जो टॉप मूवीज थी, जैसे कि वार, जवानी फिर नहीं आनी, लंदन नहीं जाऊंगा, पंजाब नहीं जाऊंगी, बिन रोए, तीफा इन ट्रबल और परवाज है जुनून करके, इन सारी मूवीज ने कंबाइंड इतना बिजनेस नहीं किया जितना मौला जट मूवी ने सिर्फ पहले वीक में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बिजनेस किया है। वही साहब, सारे रिकॉर्ड तो अभी इसने तोड़ ही दिए। बाकी इस पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए भी अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान वर्सेज इंडिया T20 वर्ल्ड कप मैच के बारे में, जो कि अभी पाकिस्तान हार चुका है। तो अभी इस पर कुछ यूट्यूबर्स के रिएक्शंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैच चल रहा था, तभी आप लोगों को पता ही है कि मैच के बीच में एड्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसी पर बात करते हुए रजा सम्मो ने कुछ ये कहा। यार मैच तो हम देख रहे हैं, लेकिन किसी प्लेयर को ये लोग थूक फेंकने का भी टाइम नहीं दे रहे, बीच में ऐड चला देते, वो सिर्फ करता है ये ऐड चला देते। अगर आप चाह रहे हो जिंदगी में खुशियां तो हमारे ले आओ चमन चाटिया चूरन मसाला। यार रुक तो जाओ भाई, सांस तो लेने दो यार उनको। इस पर आसिम अजहर ने कहा, द रियल क्वेश्चन इज वाज दैट अ नो बॉल और अ लीगल डिलीवरी। तो यहाँ पे रिप्लाई में, और इसके अलावा भी काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो लास्ट ओवर में नो बॉल दी गई थी वो नो बॉल नहीं थी, वो चीटिंग की गई थी। जैसे कि CBR सलान नसीर ने भी कहा, ग्रेट फाइट पाकिस्तान, वेल प्लेड इंडिया एंड विराट कोहली, बाय द वे वो नो बॉल नहीं थी। तो इस सब पर आप लोग क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी एक एक करके मैं आपको बाकी के यूट्यूबर्स के रिएक्शंस भी दिखा देता हूँ। सारे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का हल मिल गया मुझे, मैं कहता हूँ ये अगर आप करेंगे ना भाईजान, अखीर खुशी आप जिंदगी में ऐसे खुश होंगे, मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट टाइम आपने क्रिकेट मैच देख रहे ना पाकिस्तान का, आपने दो काम करने हैं, सीरियस कह रहा हूँ, या तो आप सुन होके मैच देखें, वरना भाईजान आप टन होके मैच देखें, क्योंकि ये भी टन सुनी गेम खेल रहे हमारे नसीब में नहीं है जीत भाईजान, हमारे नसीब में नहीं है, गणपति बाबा नहीं, और कोई तरीका नहीं रह गया, गरीब बंदा सो के उठे, अगर मैच इस सिचुएशन में तुम लोगों ने बसाया होता है कि बंदे की आंखें 2 सेकंड में खुल जाएं, क्या कर रहे हैं यार, $30 भी ला छड़े मैच फिर भी असी हार गए हैं। बहरल कोई गल नहीं, असी मैच ते जीती जाना है, फाइन T20 वर्ल्ड कप ते साडे की टेंशन नहीं लेनी, बाकी टीम इंडिया कांग्रेचुलेशन, गुड गेम, ते पाकिस्तान वाले नु कहो थोड़ी बॉलिंग सही कर लो, मेहरबानी करो। Thank you.
वो नो बॉल नहीं थी, वो नहीं थी ना, वो नो बॉल नहीं थी ना भैया, नहीं थी, वो तो खुद कह रहे हैं वो नो बॉल नहीं थी यार, ये क्या हो। आज के लिए हमारे पास बस इतनी न्यूज़ है। मज़ीद अगर आप ऐसे YouTube कम्युनिटी से रिलेटेड अपडेटेड रहना चाहते हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।